पांडु थे जी, मर गए तो फिर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए बचा ही नहीं। 800-900 साल तक ये बस बाहर से आते रहे लोग, अपनी बच्ची अपनी बीवियां उठा के लेते जाते। वो कहते ये कैसी बात तुम करते हो, है तुम्हारा ऑनर ही नहीं है कुछ। तुम्हारे बच्चे का वो क्या करते थे, अपनी बीवी को गहना पहचान के उसको अच्छा तैयार कर देते थे, इसको ले जाओ मुझे मारना था। ऐसा करते थे। सिख ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। एक बार कोई 30,000 बच्चियों को सिखों ने वापस लाए, अब्दाली लेके चला था। अच्छा, अब्दाली सबको। वो कहते हमको अब घर नहीं जाना, हमारे हस्बैंड जो उन्होंने लड़ाई नहीं की उसके साथ, वो कहते हमारा काम नहीं कि आपको अपने पास रखे। सब लोग यहाँ हाँ। पे रखे रहते हैं तलवार। हाँ, मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पे रखे हाँ। हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी ऑनर उसकी डिग्निटी रखनी चाहिए। आपको कोई पकड़ के ले जाए स्लेव बना दे, ऐसा होता आया सदियों तक। हिंदुस्तान की बीवी को बच्चियों को ले गए लोग। वो कहते ये हम नहीं होने देंगे, हम किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे लेकिन हम डिफेंड खूब करेंगे। तो हमारी परंपरा संत सिपाही की है। संत कौन होता है? साधु। साधु कौन होता है? जिसने अपने मन को साधा है। मन असाध सादे जन कोई, कपड़े का नाम साधु नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कोई लूटने आ जाए तुम्हें तो रक्षा तुमको करनी होगी अपनी, और अपने से पहले दूसरे की करनी होगी। तो ये रक्षा के लिए है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। दया के ऊपर धर्म का काम करोगे तो मालिक के साथ समा जाओगे। तो डरते क्यों? मरने से क्यों डरते हो? वो कहते ये प्रेम का खेल है। साच कहो सुन लयो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रभु को मिलने के लिए प्रेम करने का है। तो कहते लेकिन प्रेम के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे का ना कीजे। कहते तुम समझते ये लव लव करते हो, सेक्रीफाइस चाहिए इसके लिए। यहाँ रखो सिर, आओ फिर हम आपको बताएंगे प्रेम क्या होता है। प्रेम के लिए लव के लिए सेक्रीफाइस है। अगर नहीं सेक्रीफाइस है कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं। बच्चों के को मैं तो। और आप अपना परिचय भी बता दें बाबा जी। हमारा नाम भाई साहब है, ये अकाल तख्त और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ने हमें टाइटल दिया। अच्छा। क्योंकि हम प्रचार करते हैं, हमने 5 तख्त की जो है सेवा की है, ये भी ऐसे स्थान की भी सेवा की है, तो उन्होंने हमें टाइटल दिया है भाई साहब। हैं, तो नाम है मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह हाँ। तो हम क्वीन ने भी हमें अवार्ड दिया, हम OB हैं, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो पोप ने भी, हम पहले सिख हैं, पोप ने नाइटहुड दिया। जब नाइट किसी को देते तो उसको तलवार देते हैं, तो हमें ये सिख की नाइटहुड है, हमें मिली अकाल तख्त से भाई साहिब का टाइटल। तो हम पेपल नाइट भी है, क्रिश्चियनिटी के भी हम नाइट हैं। हाँ सर, अपना नाम भी बताएं सबसे पहले। ASI AI खान। ASI खान। मैं मुस्लिम नहीं जी, मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अच्छा, इंसानियत अच्छा। से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, समझे ना, कोई धर्म नहीं है। ये सिख समुदाय में सेवा की भावना रहती है, इसमें कोई छुआछूत भेदभाव नहीं रहता है, इसी के आधार पर मैं भी चल रहा हूँ। सर आप जैसे सभी लोग सोचे तो बिल्कुल भारत देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सोचना ही चाहिए और अच्छे काम को अध्ययन करना चाहिए, गलत से दूर रहना चाहिए। और सर ये देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम, और एक आप हैं सर, इतना अच्छा सोच रहे हैं सर, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नहीं, ये हमारा देश, हम सब समाज, यहाँ फूल तरह तरह के फूल हैं, वैसे हमारे देश में हर तरह के धर्म है, समाज हैं, हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे और अच्छी बात बर्ताव करेंगे।
अच्छी बात बताएंगे, भेदभाव के बात को दूर करेंगे। भेदभाव से हमारा देश कमजोर हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता। थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है इस माहौल में ड्यूटी करके सर, ये इतना भाग्यशाली आदमी ही इस त्यौहार में जो ड्यूटी करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं जी। और ये समुदाय जो है सिख समुदाय जी, ये गुरु ग्रंथ सब ग्रंथों से ऊंचा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है और सेवा की भावना रहती है। ये बहुत ही अच्छा है और हम मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरु के बाग में ड्यूटी किया, गुरुद्वारा में ड्यूटी किया, गुरु परब में ड्यूटी किया, यहाँ भी ड्यूटी किया और मेरा रिटायरमेंट के बाद भी मैं इसमें सेवा में लगा रहूँगा। कहाँ से हैं सर आप? हम तो पटना से नालंदा जिला है, नूरसराय थाना में है। अच्छा अच्छा, अपना वास्तविक घर कहाँ सर? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। और ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट कैसा लग रहा है सर? नालंदा जिला यहाँ मिनी पंजाब है। अच्छा, मिट्टी अच्छा। बहुत उपजाऊ है जी, और यहाँ पुराना धरोहर है, एजुकेशन के लिए अच्छा है और अच्छा ही है। और जैसा कि स्टेटमेंट के दौरान आप जिक्र कर रहे थे रिटायर करने वाले, कब रिटायर कर जाएंगे? बहुत जल्दी रिटायर, मेरे 27 में रिटायर कर जाएंगे। अच्छा, 27 में रिटायर कर जाएंगे, तो तभी लंबा काल है, सेवा देंगे अभी 5 साल जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर युवाओं को? युवाओं को देंगे कि देश समाज आपका है, ये देश आपका है, विकास भी आपका है, विनाश भी आपका है। आप विकास की तरफ सोचो, विनाश की तरफ नहीं सोचो। ये समाज आपका है, आप एजुकेशन से जुड़ो, रोजगार से जुड़ो और प्रेम की सागर बहाओ, प्रेम सबसे अच्छा बर्ताव करो, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म जी 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 जी। सेवा की भावना रखो, है ना, ये बहुत बड़ा धर्म, देश मजबूत करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप गुरु नानक मंदिर से तस्वीर देख रहे थे, अब कन्वेंशन हॉल में आ चुका हूँ और वहाँ पे मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात हैं। आपका स्वागत है मैम। मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परवलपुर हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगी है, दंडाधिकारी के रूप में RICC कन्वेंशन हॉल में Gate No. 1 पर। यहाँ हमारे सिख श्रद्धालु आएंगे, उनकी एंट्री करानी है और जो VIPs आएंगे उनकी एंट्री बगल से करानी है और इस प्रकार देखना है कि किसी प्रकार का जो है सो शोर शराबा ना हो और अच्छे से मैं भी अपने ड्यूटी का निर्वहन कर सकूं। और ये प्रकाश पर्व हमारा जो है 554वां गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में वो हमारा काफ़ी सफलतापूर्वक पूर्ण हो, ताकि हमारे नालंदा का, बिहार का नाम रोशन हो, एक कीर्तिमान उपस्थित हो, प्रभावित हो और साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। धन्यवाद। अच्छा मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पे ड्यूटी करके प्रकाश पर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करने की मौका मिल रही है श्रद्धालुओं को, हमारे सिख समुदाय के लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लीजेंट लग रहा है। मैं महसूस कर सौभाग्य है कि इस प्रकार की ड्यूटी सबों को मिले एक बार। धन्यवाद। और इसी बहाने राजगीर पे घूमने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बहाने मैं, लास्ट डेट 5 तारीख तक हमारी ड्यूटी है, तो हमारी कोशिश रहेगी हम सभी फ्रेंड्स की कि हम लोग थोड़ा राजगीर का भी दर्शन कर लें और सब जगह को घूम लें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahit.com। Nalanda Vidya Mandir, one of the best schools, this school is affiliated from CBSE. It